लेग पीस देख लो, ये देखो भाई क्या पका हुआ है। लाइफ अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कुछ भी दिक्कत है कोई बात नहीं, अपने घर में शेयर करो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। के वीडियो के साथ आपके सामने पेश हो चुके हैं। आज भाई मैंने घर पे बना रखा है देसी चिकन, और यहाँ की तरफ है मेरे पास कलेजी और थोड़ी सी मेरे पास आलू गोभी की सब्जी थी, और ये कुकर में बनता है भाई, पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं तुम लोगों को शक्ल दिखा देता हूँ, ये देखो भाई ऐसा कुछ बना रखा है। चिकन कुकर ही लिया है मैं, और ये है भाई येल्लो राइस, ये है कलेजी, और ये आलू गोभी की सब्जी बनी हुई थी। भाई वाह भाई, क्या लग रहा है ये, लेग पीस देख लो, ऐसा कुछ है। इस चिकन को पकने में बहुत देर लगती है, और ये कुकर में ही पकाते हैं ज्यादातर। ये है येल्लो राइस, और मैं सच बताऊं येल्लो राइस, इसमें कोई हल्दी नहीं डली है, कोई कुछ नहीं डला है, और ना ही ये पुलाव की तरह बनाया मैंने। मैंने इसमें फूड कलर यूज किया क्योंकि व्हाइट नहीं दिखता स्क्रीन पे तो इसलिए तरीका मोड़ी है। अब हुई भाई तरी मस्त, ये देखो भाई क्या पका हुआ है, ये देखो इतना बेहतरीन लग रहा है, इतना बेहतरीन लग रहा है, ये क्या बताऊं। ये भाई चिकन कलेजी, भाई उत्तराखंड में कभी इतनी गर्मी नहीं होती थी, देहरादून में 42 चले गया था भाई बीच में। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस बार, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि खाना खाएं कम, एक्सरसाइज करें ज़्यादा। क्योंकि भाई चिकन मटन बहुत ज़्यादा गर्म होता है। खाना लेकिन लिमिट में, ये प्याज इतना झनझनाने वाला है ना, मस्त भाई। ये वाला चिकन बॉयलर से महंगा है, बट बॉयलर से बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये बनी थी भाई मेरे घर में आलू गोभी, वो भी मिला देता हूँ इसमें। मुझे पता है कि गोभी रखने का कोई सेंस नहीं था, बट आज सुबह नाश्ते में बन रही थी तो मेरा मन था।
हर एक की पसंद होती है ना कोई एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड सब्जी। मेरी भी है एक दो, एक तो ये और एक वो आता है चिचिंडे, वो भी मुझे बहुत पसंद है। गर्मी नहीं करती है पूरी हालत। भाई ये चावल तुम्हें कम दिख रहा होगा शायद, बहुत ज्यादा था भाई ये, तुम देख रहे हो कितना भरा बड़ा है चावल, बल्कि इतना मैं खा चुका हूँ। मुझे मटन से ज्यादा चिकन कलेजी पसंद है, ये जल्दी पक जाते हैं, बढ़िया होती है। ये भाई चिकन कलेजी, मेरा रॉबर्ट भाई। इतनी गर्मी हो रही है ना यार, मक्खी कहाँ से आई भाई? कमरे के अंदर एक भी मक्खी नहीं थी, बट इन लाइटों से क्या होता है ना, जो छुपी हुई होती हैं वो भी इन लाइटों को देख के आ जाती हैं। हाँ तो मैं ये बता रहा था कि भाई देहरादून में बहुत ही ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रही है, अनएक्सपेक्टेड और ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है देहरादून में। पहले बहुत अच्छा था भाई हमारा देहरादून, अब हल्के हल्के पता नहीं क्या हो रहा है। परसों ये 6 नंबर के पास देहरादून में 6 नंबर पुलिया भाई, एक बंदे को गोली मार दी। देहरादून के अंदर हो रही है सारी चीज़ें, इसलिए बोल रहा हूँ कि चीज़ें भाई बहुत अजीब ही चल रही हैं, बहुत अजीब। मैं तुम लोगों से हर बात करता हूँ तो मैं जो मेरे मन में आता है बोल देता हूँ। भाई सेफ रहो हर चीज़ में, गाड़ी चला रहे हो तब, कहीं जा रहे हो तब, कैसे भी, किसी का कुछ नहीं पता। लाइफ अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे लोगों के साथ रहो, बस अपने को एक अच्छे सर्कल से घेरे रखो भाई। कुछ भी दिक्कत है कोई बात नहीं, अपने घर में शेयर करो, शेयर करो बस। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक दो लप्पड़ पड़ेंगे, बट उनके एक बार कान में आ जाएगी ना तो उन्हें पता रहेगा कि भाई ऐसा ऐसा है। यही सब करो भाई, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। भाई इतना मस्त हो रहा है चिकन। होममेड फूड में बहुत दिनों बात कर रहा हूँ भाई, होममेड फूड में अलग ही मजा आता है। तुम लोगों को जैसे मुझे गोभी पसंद है, तो तुम्हें ऐसी कौन सी सब्जी पसंद है भाई? मैं सोच रहा था आज कुकर खाली कर दूंगा भाई, बहुत गर्मी है भाई, खा तो लूंगा पचा नहीं पाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी। ओ भाई इसका मतलब ये सोचना कि पका नहीं है, पका स्लिप हो गया हो, उसका मांस मैंने सब निकाल लिया था। आगे करने का रीजन प्रूफ दे रहा हूँ मैं, प्रूफ, ये देखो उसका मांस मैंने निकाल लिया भाई, ये देखो भाई।
और ये गलत फहमी में भी था मैं कि कोई बात नहीं, गर्मी तो है, 2 दिन से भूखा हूँ, कुकर निपटा देंगे। खाने के लिए मैं चिकन अभी और भी खा लूँ, और मेरे पेट में ना गर्मी होने लग गई बहुत ज़्यादा। मैं क्या कर रहा हूँ, जो शूट करने की, जैसे वेडनेसडे और संडे शूट कर रहा हूँ मैं आजकल, तो बीच में जो जो चीज़ें आती हैं ना घर पे, मैं थोड़ी बहुत बचाते रहता हूँ। जैसे मेरी बहन ये वीडियो देखी तब उसे पता चलेगा, मैंने 3 दिन पहले से वर्डी लाल की आइसक्रीम्स मंगाई थी मम्मी घर के लिए, तो मैंने उसमें से एक आइसक्रीम अभी भी छुपा के रखी है फ्रीजर के अंदर, और मोना को ये नहीं पता। मैंने हड्डी यहाँ भी रखी है, यहाँ रख दी पता नहीं हो। भाई बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आवाज़ नहीं आती घुटने की, अब मैं इस घुटने के चक्कर में मुझे लग रहा है मैं गले लगा लूँ अपने, अभी दिखाता हूँ रुको। अब आई ना, बट मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा देखो। ये मैं नॉर्मल पी रहा हूँ, ये मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। आइसक्रीम लेके आता हूँ भाई फ्रीजर से, 2 मिनट रुकना। ये है जो मैंने छुपाई हुई थी भाई, वडी लाल की बड़ा बाइट आइसक्रीम रेड वेलवेट। ऐसी हूँ मैं, ऐसी करता हूँ, छुपा दे रहा हूँ चीज़ें। ये देखो भाई, लग रही है ना बड़ी नाइस। मुझे दांतों की दिक्कत नहीं है झंझनाहट की, आज पता नहीं क्यों हो रही। भाई 40 साल सुबह में इतनी बढ़िया आइसक्रीम है ना, बेरीज वगैरह सब है इसके अंदर। भाई तुम लोगों से मैं एक बार बोलता हूँ, इतना खाना गर्मियों में मत खाना, मत खाना, चाहे ओवर ईटिंग भी करते हो ना मत करना, गर्मियों में भाई पेट में बहुत दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। मज़ा आई भाई आइसक्रीम में, 50 रुपये की है। तो यही तक रखते हैं इस वीडियो का, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आपको दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और हाँ, अगला वीडियो मैं एक चैलेंज वीडियो करने की सोच रहा हूँ, तो प्लीज़ आप अपने सजेशन देना कॉमेंट सेक्शन में।